वंदे मातरम दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वो 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई है। इसके साथ ही वरिष्ठ नौकरशाह हरिरंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हरिरंजन राव मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में वो दूरसंचार विभाग में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में प्रशासक के पद पर हैं, जबकि आतिश चंद्र राव बिहार कैडर के अधिकारी हैं। वो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं। साल 1994 बैच के IAS अधिकारी आतिश चंद्र राव कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज केंद्र की तरफ से किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केरल कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता सचिव नियुक्त किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव बनाया गया है। वहीं कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में ये कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय के सचिव समन्वय अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव होंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को शर्मा के स्थान पर सचिव और कैबिनेट सचिवालय के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी एस राधा चौहान त्रिपाठी के स्थान पर DOPT के नए सचिव वो होंगे। हालांकि वहीं नील कमल दरबारी प्रबंध निदेशक लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ कृषि और किसान कल्याण विभाग को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार वर्तमान में अपने कैडर राज्य बिहार में सेवारत हैं। युवा मामलों के विभाग के सचिव होंगे। बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव SKG रहाटे को कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 24 अप्रैल को हुई राजपुरी हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को एक गुट ने एक व्यक्ति की निर्ममता से पिटाई कर दी थी, जिसे घायल अवस्था में दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति और गंभीर होने की वजह से उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग को समेत पहले 5 लोगों को जेल भेज दिया गया, लेकिन वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने सर्विस लांस और मुखबिर की सहायता से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इसमें से एक आरोपी पवन पहले भी छीना झपटी और चोरी की वारदात में शामिल रहा है। इस हत्याकांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं आम आदमी पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में असम के पार्टी अध्यक्ष राजेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है और लोगों ने केजरीवाल मॉडल को अपनाया है। आज असम, मिजोरम और मणिपुर के बहुत से सदस्यों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। राजेश शर्मा ने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने असम में म्यूनिसिपल में 3 सीटें जीती।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, कोरोना का अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली में घट रहा कोरोना संक्रमण, आपको बता दें कि 24 घंटे में 1076 नए मामले दर्ज किए हैं कोरोना वायरस के। संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई है, यह भी जानकारी है। लगातार घट रही कोरोना टेस्टिंग की संख्या, हालांकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6.42% हो गया है, और साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना के अभी तक एक्टिव केस 5744। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं, हालांकि आज भी कोई अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 6.42% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के अभी 5744 एक्टिव केस है, जबकि हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की संख्या 178 है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 16753 टेस्ट किए गए, जिसमें 1076 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना टेस्टिंग की संख्या घट रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 30,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 1485 मामले सामने आए थे। 24 घंटे में दिल्ली में 1076 नए मामले कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। पॉजिटिविटी रेट हो गया है 6.42% दिल्ली में। एक्टिव केस की संख्या इस वक्त जो है वो है 5744। और आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में लगातार अपना स्तर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। निगम चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ताओं के ब्लॉक अध्यक्षों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इस दौरान कांग्रेस समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान जब आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान से जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स के बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये सभी पोस्टर आम जनता की तरफ से लगाए गए। देखो, आज नरेला विधानसभा के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन है कि हमारा परिवार आज बड़ा है, जो कि अरविंद जी के कामों को देखते हुए, अरविंद जी पे विश्वास करते हुए हमारा परिवार रोज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने भी लग रहा है। और इनका आम आदमी पार्टी में परिवार पर विश्वास है और आम आदमी पार्टी इनका बहुत बहुत स्वागत करती है आम आदमी पार्टी में। और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के संगम विहार में देवली के पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता ने अपने ऑफिस पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। खास बात यह रही कि वैक्सीनेशन कैंप पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, हालांकि जबकि 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर रोज कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता ने बताया कि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ आज कैंप पर नजर आई है। वैक्सीन कैंप रखा है, लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पा रही है। तमाम कोशिश हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, सरकार की कोशिश नहीं है, लेकिन आप देखो कितनी भीड़ हो रही है वैक्सीन लगाने वालों की। कहाँ कमी है, क्या वजह है, ये तो सरकार बता सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार की कोई कहीं पर कमी है, लेकिन लोग आ रहे हैं। आज कैंप लगा है, आप देख लो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है वैक्सीन लगवाने वालों। देखिए, यहाँ पर जो नगर पार्षद सतीश गुप्ता जी ने ये कैंप लगवाया है, इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। जो समाज के लोग, जो जनता के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी ठीक ढंग से सेवा भी कर रहे हैं और साथ में वैक्सीन लगवाने के लिए उनको उत्साहित भी कर रहे हैं। कोविशील्ड लगवाई है, थर्ड डोज, थर्ड, हाँ जी, बूस्टर डोज है जो वो लगवाई है। नहीं, बहुत बड़े आराम से लग गया, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको इन्होंने, और मतलब पानी वगैरह सब पिलाया, आराम से बिठाया, आराम से लग गई, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। और दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से ही सभी की निगाहें ईद के दिन पर टिकी हुई हैं।
हर किसी की जुबान पर यही है कि अगर कल का दिन सामान्य तरीके से बीते तो ये माना जा सकता है कि अब दोबारा से अमन चैन बहाल हो गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल ईद का त्यौहार सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल जैसी हर साल दिखाई देती है, वैसे ही इस साल भी अमन चैन से भाईचारे के तरीके से ईद मनाई जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। पुलिस ने जहांगीरपुरी समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, हैदरपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जहांगीरपुरी घटना के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ईद को लेकर। और साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने नेब सराय थाना क्षेत्र इलाके से एक ज्वेलरी शोरूम से डकैती के मामले में फरार चल रहे 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 सिंगल शॉट कंट्री मेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। 5 आरोपी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों ने नेब सराय थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप से सोने के आभूषण के साथ एक पिस्टल को भी लूट लिया था। और इसी के साथ ही खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।